ये ये शरीर शरीर में ऊपर ऊपर बाल बाल से से लेकर के लेकर के पैर पैर तक पूरा पूरा ये ये शरीर शरीर मिट्टी का मिट्टी का घर घर जैसा है। जैसा है। मिट्टी मिट्टी का का घर घर भी भी अंदर अंदर लकड़ी लकड़ी से से बनाता बनाता है, है। फिर फिर उसके उसके ऊपर ऊपर मिट्टी मिट्टी लगा लगा देता देता है। है। बाहर से बाहर से देखने में देखने में सुंदर सुंदर घर, घर। फिर फिर मिट्टी के मिट्टी के ऊपर ऊपर गोबर गोबर लगा लगा देते देते हैं। हैं। वैसे ही वैसे है ही है ये ये कंकाल कंकाल जो जो हमारे हमारे पास पास है। है। इस इस कंकाल कंकाल को को अच्छा अच्छा से से बंद कर बंद कर दिया दिया है है मांस मांस से। से। मांस को मांस भी को भी बंद कर बंद कर दिया दिया है है चमड़ी चमड़ी से। से। देखने देखने में में मुलायम मुलायम लगता लगता है, है। चूने में चूने में अच्छा अच्छा लगता है। लगता है। उसी उसी प्रकार प्रकार एक एक माया माया जादू जादू बन बन गया। गया। लेकिन लेकिन इस इस चमड़ी के चमड़ी के अंदर अंदर जो जो कुछ कुछ है है वो वो गंदगी गंदगी बिल्कुल बिल्कुल अपवित्र अपवित्र है, है गमकता है। गमकता है। अभी अभी हम हम लोग लोग एक 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 करके करके देखेंगे देखेंगे पूरे पूरे संसार संसार के के हर हर एक एक शरीर शरीर का का असलियत, असलियत। संसार संसार के के सारे सारे शरीर शरीर का का सच्चाई। सच्चाई। ध्यान से ध्यान से देखिए, देखिए बाल बाल सिर के सिर के ऊपर, ऊपर ये ये बाल बाल देखने में देखने में काला काला रंग रंग है, है। लेकिन लेकिन बड़ा बड़ा होते 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 ये ये बाल बाल पक पक जाता जाता है, है सफेद सफेद रंग हो रंग हो जाता जाता है। है। बूढ़ा बूढ़ा आदमी का आदमी का बाल बाल को को कोई कोई पसंद पसंद नहीं नहीं करता है। करता है। जरूर जरूर हम हम ये ये बाल बाल रोज रोज धोना धोना पड़ेगा, पड़ेगा। तेल तेल जरूर जरूर लगाना लगाना पड़ेगा। पड़ेगा। अगर अगर ऐसे ऐसे नहीं नहीं करेंगे करेंगे तो तो ये ये बाल, बाल कोई 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 छोटा छोटा बच्चा बच्चा लोग लोग जो जो नहीं नहीं नहाते नहाते हैं हैं उन लोग उन का लोग का जैसा हो जैसा हो जाएगा, जाएगा। सट सट जाता जाता है, है। गमकने गमकने लगता है। लगता है। बाल बाल सिर से सिर से निकलते 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 तिल तिल भी भी निकल निकल जाता है जाता है सिर के सिर के अंदर। अंदर। ये ये सिर सिर नहीं नहीं धोने से धोने वो से वो तिल तिल सिर का सिर का चमड़ी में चमड़ी में सट सट जाता है। जाता है। गरीब गरीब लोगों का लोगों जो का जो नहीं नहीं नहाते नहाते हैं हैं उन उन लोगों का लोगों का सिर सिर में में और एक और एक चमड़ी चमड़ी जैसा जैसा बनाया बनाया हुआ हुआ दिखाई दिखाई देगा। देगा। वो वो गंदगी गंदगी तिल तिल हमारा हमारा हर हर एक एक बाल 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 से से निकलते निकलते रहता है। रहता है। ये ये बाल बाल बिल्कुल बिल्कुल गमकता गमकता है, है। किसी का भी किसी का भी गाल गाल सूंघेगा, सूंघेगा बाल बाल सूंघेगा सूंघेगा तो तो धमकता है, धमकता है क्योंकि क्योंकि अलग 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 प्रकार के प्रकार तेल का तेल लगाया लगाया हुआ, हुआ है शैम्पू शैम्पू लगाया लगाया हुआ। हुआ है। अगर वो अगर वो कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं लगाएंगे लगाए तो तो ये ये बाल बाल बहुत बहुत गमकने गमकने लगता है, लगता है। पेकाना पेकाना जैसा जैसा गमकने गमकने लगता है, लगता है। पाद पाद दिया दिया जैसा जैसा गमकने गमकने लगता है। लगता है। ये ये गंदगी गंदगी बाल बाल निरंतर निरंतर बदलता बदलता है, है अनित्य अनित्य है। है। ये ये बाल बाल मेरा मेरा नहीं, नहीं मैं मैं नहीं, नहीं मेरा मेरा वश में वश में नहीं है। नहीं है। मेरा मेरा बाल बाल जैसे ही है सही है बाकी बाकी संसार के संसार के सभी सभी लोगों लोगों का का सिर का सिर का बाल। बाल। अब अब ध्यान से ध्यान से देखिए, देखिए पूरे पूरे शरीर शरीर का का चेहरा से चेहरा से लेकर के लेकर के पैर पैर तक तक
पूरा शरीर में रोम है, वो भी बाल जैसा, हर जगह छोटा छोटा रोम है। ये रोम भी शरीर के अंदर खून और फैट तेल इत्यादि से बन के बाहर निकलता है। ये रोम भी गमकता है, पसीना आते आते रोम और गमकने लगता है। ये रोम से ही पसीना भी निकलता है। ये रोम कहीं किसी का रोम हमारा खाना का प्लेट में चाय में गिरा हुआ दिखाई देगा तो खराब लगता है। सही में ये रोम अप्रिय है, घृणा है। बाकी लोगों का शरीर का भी ये गंदगी रोम है। ये सारे रोम अनित्य है, समय के साथ साथ ये रोम भी फक जाता है। बूढ़े लोगों का शरीर का रोम फका हुआ दिखाई देता है, कुरूप लगता है, बिल्कुल कठोर है, चूने में अच्छा नहीं लगता है। ये रोम गिर जाता है, ये गंदगी रोम मिट्टी बन जाता है। ये रोम अनित्य है, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा वश में नहीं है। ध्यान से देखिए अपनी अंगुली की ओर, पैर की अंगुली, हाथ के अंगुली, देखिए अंगुली की किनारे मजबूत चमड़ी है, उसे नाखून कहता है। पिंक कलर का ये नाखून देखने में अच्छा लगता है। हम लोग हमेशा ये नाखून साफ रखते हैं, सुंदर है। दूसरों का नाखून भी हम लोग वर्णन करते हैं, आपका नाखून सुंदर है। लेकिन कभी बूढ़ा बूढ़ी लोगों का नाखून हम लोग छूते तक नहीं। कोई बूढ़े लोग आके कहेंगे तो ये नाखून काटने के लिए अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई कम उम्र के कोई आके बता देंगे तो आराम से नाखून काट सकता है, क्योंकि ये नाखून देखने में सुंदर है लेकिन नाखून बदलते रहता है, रोज ये नाखून बढ़ता है। हम लोग नेल कटर से नाखून काटते हैं, काटने वाले नाखून फेंकते हैं। कहीं वो नाखून हम लोग पीने वाले दूध में, पीने वाले चाय में या खाने का बर्तन में मिल गया तो पूछेंगे किसका नाखून है, खराब लगता है, बिल्कुल ये नाखून फिर घृणा है, ये नाखून गंदगी है। वो गंदगी नाखून बाकी सारे लोगों का अंगुलिया में है, सारे लोगों का अंगुलिया पर सजाया हुआ है। गमकने वाले गंदगी नाखून अनित्य है, अनित्य है, वो मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी वश में नहीं है। अब ध्यान से देखिए दोनों ओठ के अंदर मुंह में दो लाइन उजला हड्डी से सजाया हुआ है। ये हड्डी को दांत कहता है। ये दांत अच्छा से देखना चाहेंगे तो नीचे ओठ फाड़ के हटाना चाहिए।
ऊपर और भी फाड़ के हटाना चाहिए। हटा दीजिए मन से। अब हटाने के बाद बहुत बड़ा लंबा मुंह दिखाई देता है। दाएं कान से लेकर के बाएं कान तक मुंह है। बहुत सारे हड्डिया से सजा हुआ है। ये हड्डिया रोज साफ करना पड़ेगा, रोज साफ करना पड़ेगा, फिर भी सड़ जाता है। हड्डिया साफ करने के लिए अच्छा अच्छा टूथपेस्ट लेना पड़ेगा। कहीं कैन वगैरह खाएंगे तो तुरंत सड़ जाएगा। अगर ये हड्डी एक दो सप्ताह साफ नहीं करेंगे तो गोंद जैसा मैल बैठ जाता है। एक दो सप्ताह छोड़िए, एक दिन में एक टाइम साफ करेंगे तब भी ये दांत में मैल बैठने लगता है। वो मैल बैठते बैठते दांत से बदबू आना शुरू होता है। किसी के साथ बात करना मुश्किल, किसी के साथ रहना भी मुश्किल। ये दांत का बदबू पाद से भी गमकता है। बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, फेकाना से भी गमकता है। ये गमकने वाली गंदगी दांत हमारे मुंह के अंदर है। हम जीभ से रोज चाटते हैं, अभी भी चाट सकता है। रोज मतलब हर पल हम लोग चाटते रहते ये गंदगी दांत। हम चाहने पर भी, नहीं चाहने पर भी ये दांत मुंह में रहेगा। ये गमकने वाले दांत हम लोग बड़ा होते होते 40 उम्र पार करते करते पीला हो जाएगा। सारे दांत पीला होगा। इसके बाद एक एक दांत गिरना शुरू हो जाएगा। अब तक दुनिया में अनगिनत लोगों का दांत गिर के मिट्टी बन गया। तो ये दांत बिल्कुल बिना चीज है, गंदगी चीज है। ये गंदगी दांत अनित्य है। सबका दांत अनित्य है। वो मेरा नहीं, मैं नहीं, ये दांत मेरी वश में नहीं है। आप देखिए जादू, एक माया को देखिए। हम लोग रोज आईना के पास जा करके अपनी चमड़ी को देखते हैं। कहीं दाना निकल गया तो बहुत तकलीफ होता है। कहीं काला हो गया तो दुख उत्पन्न होता है। बहुत मानते हैं हम अपनी चमड़ी को। ये त्वचा बिल्कुल गमकता है। ये त्वचा आखिरी कब तक हम साफ रखेंगे? आखिरी कब तक ये त्वचा हम सुंदर रखेंगे? हम ये त्वचा में क्रीम लगाए या नहीं लगाए, फिर भी जवान की उम्र में ये त्वचा तो चमकते रहेगा। जवान की उम्र खत्म होते होते मेकअप करते रहेगा तो सिर्फ चमकेगा। मेकअप हटाते ही कितना भी क्रीम लगाइए त्वचा तो सड़ता जाएगा। सिर से लेकर के पैर तक एक कपड़ा पहना हुआ जैसा त्वचा से बंद हो गया है ये शरीर। चूने में मुलायम है, लेकिन ये त्वचा में अलग अलग प्रकार की बीमारियां, घमौरी, कोई कुष्ठ, अलग अलग प्रकार की देखे होंगे कोई कोई वीडियो में।
ये त्वचा में कीड़ा बन जाता है, चेहरा जैसा, चेहरा में, शरीर में, छाती में, पीछे जांग में, अलग अलग जगह पे एक कई प्रकार की बीमारी होता है। ये त्वचा सड़ते उसमें कीड़ा निकलता है उजला रंग का। देखिए ये हमारा त्वचा का स्वभाव। अगर कोई बैटरी का पानी या एसिड डाल देंगे तो इस त्वचा में तुरंत ये त्वचा गल के गिरने लगेगा। आग डाल दिया तो ये त्वचा चिमकिल जलना जैसा जल के गिरने लगेगा। कौन प्यार करेगा इस शरीर को? ये त्वचा की माया में सब फंस गए, अभी तक फंसा हुआ, आग भी फंसते रहेंगे। ये त्वचा को सब प्यार करते हैं, अगर कहीं जल गया तो नुक के रहेंगे। ये त्वचा अगर नहीं धोएंगे तो कुछ दिन तक इस त्वचा से बदबू मारना शुरू होता है। मैल मतलब मरने वाली त्वचा है, डस्ट नहीं। हम लोग मैल के रूप से रोज मरने वाली त्वचा को निकालते हैं, रोज ये त्वचा मर जाते हैं। बूढ़ा होते होते त्वचा बिना नहाए हुए छिमकिल जैसा निकाल सकता है। बूढ़े लोगों का त्वचा बहुत खराब लगता है, वो त्वचा हमें भी मिलेगा। हर कोई कोई लोगों का त्वचा में बहुत सारे घमौरी है, घाव है, कोई नहीं छुएगा, पीप गिरता है, सड़ जाता है। प्याज का छिलका जैसा ये त्वचा निकल जाता है। आप ध्यान से काट लीजिए अपना त्वचा को, पहले सिर से ले शुरू करिए, काट काट के अभी पूरा चेहरा का हटा दीजिए, अभी मांस दिखाई देता है। गला का त्वचा हटाइए काट के, एक चेन खुलना जैसा खोल सकता है ये त्वचा। छाती तक काट के लाइए, पेट तक काट के लाइए, अभी एक एक हाथ तक काट के हटाइए त्वचा को, दोनों पैर का काट के हटाइए त्वचा को। अब त्वचा एक जगह रख दीजिए, कौन इस त्वचा को प्यार करेगा? कौन ये चमड़ी को प्यार करेगा? चमड़ी को देखते ही लोग डर जाएगा, चमड़ी को देखते ही लोग चिल्लाने लगेगा, नाक बंद करके भागेगा। कैसा जादू है त्वचा में, शरीर में सटने से प्यार, शरीर से हटते ही घृणा। बिल्कुल वैसे ही है संसार के सभी लोगों का चमड़ी। जानवर का चमड़ी कुछ काम आता है, लेकिन हमारा ये चमड़ी का कोई काम नहीं है। गमकने वाले ये चमड़ी अनित्य है, बदलता है। बदलने वाले ये चमड़ी मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी वश में नहीं है। अब चमड़ी तो हटा दिया, हटाने के बाद पूरा शरीर लाल रंग जैसा है, मांस। चेहरा में तो ज्यादा मांस नहीं, लेकिन गाल में थोड़ा है, सिर में थोड़ा सा है, गर्दन में मांस है, छाती में थोड़ा है, पेट में है, हाथ में है, दोनों हाथ में मांस मसल्स, और दोनों पैर में भी है मांस, पीछे है मांस, पीठ में भी है। ये मांस कितना गमकता है, कोई किसी को कहेंगे तो ये मेरा मांस चुइए, कोई नहीं चुएगा।
मांस अच्छा से दिखाई देता है घाव लगने के बाद। हम लोग किसी का घाव अंगुली से साफ नहीं करते हैं, रुई से साफ करते हैं, फिर हाथ धोते हैं, खराब लगता है क्योंकि ये मांस बिल्कुल घृणा चीज है। ये मांस गमकता है, ध्यान से देखिए कहीं काट के ये मांस को, तुरंत खून आने लगता है। रास्ता पे एक्सीडेंट आप देखे होंगे, एक्सीडेंट होते ही ये हाथ पैर अलग हो जाता है, मांस इधर उधर फेंका हुआ रहता है, कौन छुएगा जाके मांस? बिल्कुल कोई नहीं छुएगा। सभी लोग इस मांस को देखते ही कोई कोई बेहोश हो जाता है, मांस को देखते ही सब नाके बंद करता है। वो गंदगी मांस अभी अपना पास है, अच्छा से देखिए, वो गंदगी मांस अपना पास है, दूसरों के पास में भी वो गंदगी मांस ही है। ये गंदगी मांस बदलते रहता है, कुछ दिन तक खाना छोड़ देंगे तो बैलून से हवा निकलना जैसा शरीर सूख जाता है, ये मांस खत्म होता है। कोई कोई बूढ़े लोगों को हम लोग देखते हैं, शरीर सूखा हुआ है, मांस लटक रहा है, वो मांस हमारा शरीर में है, बिल्कुल सब का मांस गमकता है। गंदगी मांस अनित्य है, बदलते रहता है, वो बदलने वाले मांस मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी वश में नहीं है। ये मांस के अंदर अंदर नस गया हुआ है, हजारों हजार नस, पूरे शरीर देखेंगे तो हर जगह नस से भरा हुआ है, सड़ा हुआ गमकने वाले खून नस से इधर उधर जाते रहता है, गमकने वाले गंदगी खून इधर उधर ले जाने वाले नस, ये खोपड़ी के अंदर दिमाग में भी हजारों हजार है, छोटा छोटा शरीर के अंदर है, जल्दी ये नस सड़ता नहीं है, बहुत मजबूत है रस्सी जैसा, लेकिन ये नस गमकता है, ये नस गंदगी है, बहुत घृणा है। गमकने वाली ये नस सबके पास है, सबके पास है, ये नस अनित्य है, अनित्य है, बदलने वाले ये नस मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी वश में नहीं है। अभी एक काम करिए, मन से एक चाकू लेकर के अपने शरीर को सामने सुता दीजिए, बाकी लोगों का शरीर भी बगल में जो बैठा हुआ है सबका शरीर सुता दीजिए, सबका शरीर सुता दिया। अभी चाकू से काट दीजिए, कपड़ा हटा दिया, अभी पूरा चमड़ी निकाल दिया शरीर का सबका। इसके बाद अभी मांस निकाल दीजिए सब, मांस एक बर्तन में डाल दीजिए, चमड़ी एक बर्तन में, ये हृदय एक बर्तन में डालिए, फेफड़ा एक बर्तन में डालिए, बड़ी आंत छोटी आंत से पूरा पेट भरा हुआ वो भी अलग कर दीजिए। अभी पेट खाली है,
आमाशय आत्मा पित वो भी हटा दीजिए, फेकान और एक बर्तन, खून और एक बर्तन, पेशाब और एक बर्तन, थुप एक बर्तन और ककार के साथ काफ और एक बर्तन, पसीना और एक बर्तन, आंसू और एक बर्तन, ये दिमाग और एक बर्तन, सब सब अलग अलग बर्तन में हटा दीजिए। हटा दिया, अभी बच गया कंकार। ध्यान से देखिए अपना सामने सुता हुआ अपना कंकाल को। अभी उस कंकाल का खोपड़ी देखिए, खोपड़ी के बीच में दो छेद है, बहुत बड़ा आग था वहां पे, खून लगाया हुआ इस कंकाल में, और नीचे देखिए नाक था वहां, अभी छेद है, और नीचे बहुत बड़ा मुंह, दम पतला, गर्दन, छाती देखिए कहां सुंदर छाती चला गया, बिल्कुल हड्डी, मुड़ा हुआ हड्डी, दोनों हाथ में हड्डिया, लंबा लंबा अंगुलिया, कमर का बहुत बड़ा हड्डी है, पीठ में रीढ़ है, पेट में बिल्कुल कुछ नहीं, खाली है, दाएं पैर का हड्डी, बाएं पैर का हड्डी, नीचे अंगुली लंबा है, ये गंदगी घृणा वाले खराब कंकाल को कोई नहीं पसंद करता है। किसी आदमी का कंकाल देख लिया तो कोई छुएगा तक नहीं, जानवर का कंकाल तो छुएगा, लेकिन आदमी का कंकाल जल्दी कोई छूता नहीं, इतना गमकता है ये कंकाल। बाकी लोगों का कंकाल देखिए, हम लोग उसको प्यार करते हैं, देखिए असलियत, वैसे ही है संसार के सबका कंकाल, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबका कंकाल ऐसे ही है। तो ये कंकाल बड़ा होते होते कमजोर होता है, हिलने लगता है, झुक जाता है, ये कंकाल अनित्य है, बदलते रहता है, बदलने वाले कंकाल मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरे वश में नहीं है। अब ध्यान से देखिए ये शरीर के अंदर हृदय है, दाएं तरफ धड़कने वाले, धड़क धड़क करके रहने वाले, खून पूरे शरीर में हर जगह फैलाने वाले इंद्रिय, ये दिल बहुत गमकता है। ये दिल एक बर्तन में डाल दिया, अब एक अपना चाकू लेकर काट दीजिए इस दिल को, गमकता है ये दिल, बिल्कुल गमकता है। बाकी लोगों का भी खून भरा हुआ दिल गमकता है। अब देखिए आप श्वास ले रहे हैं, श्वास लेते समय छाती फूल जाता है, श्वास निकलते ही ये छाती नीचे जाता है, फूल जाता है, सूख जाता है, क्योंकि अंदर पेपड़ा है, ये पेपड़ा भी गमकता है, ये गंदगी पेपड़ा अनित्य है, वो भी मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरे वश में नहीं। और शरीर पेपड़ा के नीचे हो रहा है बहुत बड़ा एक मांस है, उसको आत्मा कहता है, और लिवर भी है, पेट भी है, ये मांस अलग अलग करके देखिए गमकता है, बहुत बदबू मारता है। और देखिए बढ़िया चोटिया घुमा हुआ
सात फीट लंबा बड़िया, 21 फीट लंबा चोटिया, इतना लंबा लंबा आ पेट के अंदर गुम गुम के गुम गुम के इधर उधर होके कैसे तो अटक गया। अगर पेट में कहीं चाकू लग गया तो तुरंत आत निकल जाता है। कितना भी गमकता है ये आत, आत काट के देखेंगे तो अंदर सड़ा हुआ पेकाना निकल जाता है। लीवर काट के देखेंगे तो उल्टी निकलने लगता है, उल्टी उसमें भरा हुआ है। उसी लीवर से ही हम लोग उल्टी निकालते हैं, पेट से। ये आत पेकाना का रास्ता है, उसी आत से ही पेकाना निकल जाता है। गमकता है आत, ये भी अनित्य है, सबके शरीर में है ये, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी वश में नहीं है। इस शरीर में ये गंदगी चीज, सड़ने वाली चीज और पेकाना है, दिमाग है, दो को बहुत बड़ा गेंदा है। बाहर से देखने में सुंदर, निकाल दिया तो डर लगता है, वो है आंख। सब सड़ जाता है। अब देखिए ध्यान से, मुंह के अंदर से निकल जाता है तुप। हम लोग रात में सोते समय कभी कभी ये तुप लार के रूप से गिर जाता है, कोई पसंद नहीं करता है। लार कोई पसंद चाहता भी नहीं मेरा मुंह से लार गिरे, उतना खराब चीज है ये तुप। तुप ही लार के रूप में गिरता है। और ये आंख से पानी गिरता है, ये पानी नमकीन जैसा, उसको आंसू कहता है, भी खराब लगता है। किसी को आंसू पीने दिया तो कोई नहीं छूता तक नहीं, खराब लगता है। अब देखिए गोंद जैसा सटने वाले सर्दी है, वो सर्दी भी बहुत खराब गमकता है। ललाट में बहुत भरा हुआ है सर्दी, उसमें से निकल जाता है हमेशा। और काफ है पीला रंग का, कभी कभी कोई कोई लोग, इधर काम करने वाले लोग भी कहीं रास्ता पे भी काफ फेंका हुआ दिखाई देता है, कहीं हमारे पैर में लग गया तो। हम लोग बैठते समय हम लोग का कपड़ा पे लग गया तो, हम लोग हाथ रखते समय हाथ में लग गया तो काफ, कितना खराब लगता है। कहीं पानी में नहाते समय, टैंकी में नहाते समय काफ दिखाई दिया तो कितना खराब लगता है। वो गंदगी का हमारा शरीर के अंदर भरा हुआ है, मरने दम तक रहेगा, कभी हटेगा नहीं। काफ हट गया तो मर जाते हैं, बिना काफ के कोई जी नहीं सकता। सबका शरीर में गंदगी का सर्दी भरा हुआ है। बढ़ गया था भी प्रॉब्लम, कम गया था भी प्रॉब्लम। वो काफ यानी वो मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी वश में नहीं है। पेशाब है, पीने वाले पानी, छोटा सा बीन्स जैसा, बीन्स से बड़ा, बीन्स के आकार लेके रहने वाले किडनी से पानी साफ करके किडनी से नीचे एक बैग है, उसी बैग में पानी भर देता है, उसको मूत्राश्रय कहता है। उसमें पानी भरने के बाद हम लोग को पेशाब लगता है। पेशाब करते समय कभी पीला है ये पेशाब, अगर हम लोग कहीं दीवार में या कहीं रोज करेंगे तो वहां सड़ने लगता है, एसिड जैसा, बहुत खराब चीज है, गमकता है पूरे एरिया। कहीं बाजार में कहीं पेशाब करने वाला जगह मिल गया तो पूरा गमकता है, सब नाक बंद करके जाता है। वो पेशाब मेरा शरीर से निकलते रहता है।
अब ध्यान से देखिए सबका शरीर में गंदगी है। लाल रंग का पानी जैसा कुछ शरीर में हर जगह घूमते रहता है, वो है खून। देखिए ध्यान से, ये खून को कोई पसंद नहीं करता है, खून कोई नहीं पीता है दूसरों का। खून हम लोग हाथ से चूता नहीं, रुई से चूते हैं। ये गंदगी गमकने वाले खून सबके शरीर के अंदर है, वो भी अनित्य है, वो भी मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरे वश में नहीं है। अब ध्यान से देखिए इस शरीर में और है पसीना। किसी का पसीना ज्यादा गमकता है, किसी का कम गमकता है, लेकिन पसीना तो गंदगी है। गंदगी गमकने वाले ये पसीना अगर हम लोग नहीं पोछेंगे तो शरीर में ही और थोड़ा कठोर होके सटने लगता है, गोंद जैसा। वो पसीना आपको कोई प्यार नहीं करता है। तुरंत जाके नहाते हैं, साबुन लगाते हैं। अगर हम लोग नहीं नहाएंगे तो पसीना सड़ते 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 हमारा शरीर में घमौर आने लगता है, छोटा छोटा दाना से पूरा शरीर भर जाएगा पसीना के कारण। वो गंदगी पसीना है शरीर में, ये सारे गंदगी से पूरा शरीर भरा हुआ है। और गंदगी है। हम प्यार से कुछ खाएंगे, चिकन हो या भात हो, फल हो, खा करके तुरंत उल्टी कर दिया तो कौन उल्टी खाएगा? किसी का हाथ से खाना खा सकता है, लेकिन खाया हुआ खाना उल्टी करने के बाद कोई नहीं खाएगा, बहुत गमकता है। कहीं गाड़ी में जाते समय एक दो बच्चा उल्टी करने के बाद पूरे यात्रा भर गाड़ी गमकने लगता है, जल्दी गमक हटेगा नहीं, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो कुछ जाता है वो शरीर के अंदर रहने वाली चीज जैसा होता है। शरीर के अंदर सब कुछ गमकता है तो खाना भी गमकता है, तुप खाकार भी गमकता है, सब गमकता है। ये शरीर बाकी सबके पास है। हम सुंदर सुंदर सोचते सबके पास ये गंदगी शरीर है। इस शरीर में आखिर क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अंतिम श्वास छूटने तक शरीर को प्यार करते हैं। आप सोचिए, आप किसको प्यार करने वाले, किसी को याद करिए, सोचिए उसका मृत्यु हो गया, अब मरा हुआ बॉडी को आप प्यार करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल उसी बॉडी से दूर रहेंगे। जलाने के बाद थोड़ा डर रहेगा, कहीं रात में आएगा, सब डरता है, सब हटा देता है तुरंत। ये गंदगी शरीर मिट्टी साथ मिल जाता है। अतीत में बहुत सुंदर लोग थे, सुंदर सुंदर शरीर वाले लोग थे, सब सड़ गया, सब मिट्टी बन गया। भविष्य में भी खूबसूरत लोग आएंगे, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े अलग अलग प्रकार के, वो लोग भी सड़ जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। वर्तमान में जो सब है सभी लोग भी गमकता है, मरने दम तक भी गमकते गमकते रहता है, मरने के बाद सड़ जाता है, मिट्टी बन जाता है। यहाँ कुछ है ही नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सबका शरीर अनित्य है, सबका शरीर पल पल बदलते रहता है। ऐसा है तो कोई भी शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी वश में नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है,
यानी नित्य गमकने वाले गंदगी शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। अब धीरे धीरे आप अपना शरीर पर ध्यान दे दीजिए, फिर मन में एक प्रार्थना करिए, ये उत्तम पुण्य से मन की राग